दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्कूल में एडमिशन लेना एक सपना होता है। हर साल कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं हर एक स्कूल के कोर्स में, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन मैं ये बताऊंगा कि कंपटीशन लेवल क्या है, यानी किस कोर्स में कंपटीशन लेवल हाई है, किस कोर्स में कंपटीशन लेवल लो है, तभी आपका चांस पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, किस लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा इस वीडियो का कि सीट्स कंपैरिजन, यानी कितने सीट्स हैं, जैसे छठवीं में कितने सीट्स हैं और कितने अप्लाई किए हैं, नौवीं में कितने सीट्स हैं और कितने अप्लाई किए हैं। चौथा क्वेश्चन होगा सिलेक्शन के चांसेस, यानी किस कोर्स में कितना चांसेस है, छठवीं में कितना चांस है, नौवीं में कितना चांस है, क्लास फर्स्ट में कितने चांस है, यानी एएमयू के स्कूल में एडमिशन होने का आपका कितना चांस है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा। पांचवा क्वेश्चन होगा कितना मार्क्स लाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा, हर एक कोर्स का मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा अप्रॉक्सीमेट थ्योरी के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि उनको भी पता चले कि ये पांचों क्वेश्चंस जो कि मन में डाउट होता है, जो भी एंट्रेंस टेस्ट देना जाता है उसके मन में डाउट होता है कि क्या करें, कैसे सिलेक्शन पाएं, तो उसके मन में डाउट होता है कि कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे इस कोर्स में, कॉम्पिटिशन लेवल क्या होगा, सीट्स कितनी है और उसके रेस्पेक्ट में अप्लाई कितने किए हैं, सिलेक्शन के चांसेस मेरा कितना है, कट ऑफ कितना लाएंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सारे पांचों क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीट की तरफ बढ़ते हैं। सीट कितना है, नाइन्थ क्लास के सीट देख लीजिए। नाइन्थ क्लास में जो सीट्स है, बॉयज़ के लिए ऊपर वाला टेबल है और गर्ल्स के लिए नीचे वाला टेबल है। तो बॉयज़ के लिए सीट्स और गर्ल्स के लिए सीट सारे को मैंने जोड़ा है और जोड़ के आपको नाइन्थ क्लास के जो सीट है वो देख लीजिए कितना है। नाइन्थ क्लास के जो सीट्स है वो आपका है 405। कितने हैं दोस्तों, नाइन्थ क्लास के जो सीट है वो 405 है। ये जोड़ लीजिए 90 45 90 90 90, तो 90 × 4 हो गया प्लस 45, आपका जो आंसर आएगा वो है 405, यानी नाइन्थ में टोटल जो सीट्स है वो 405 है, टोटल सीट्स नाइन्थ क्लास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसी तरह क्लास फर्स्ट का जोड़िएगा, बॉयज़ का भी जोड़िएगा, गर्ल्स का भी जोड़िएगा। उसके बाद स्कूल वाइज इनटेक है, जैसे एसटीएस स्कूल है, एमयू एबी के हाई स्कूल है, अब्दुल्ला स्कूल है, एमयू गर्ल्स स्कूल है, एमयू एबी के हाई स्कूल है, अब्दुल्ला स्कूल है, एमयू गर्ल्स स्कूल है, कुछ उर्दू मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ गर्ल्स के लिए, कुछ बॉयज़ के लिए अलग स्कूल्स है। सबका सम करके क्लास वन का जो सीट्स निकल के आएंगी 385 निकल के आएंगी, 385 टोटल सीट्स हैं। अब छठवीं का ऐसे ही जोड़िएगा आप, ये ऊपर वाला जो टेबल है ये बॉयज़ का है, नीचे वाला है गर्ल्स के लिए, इंग्लिश मीडियम का अलग है, उर्दू मीडियम का अलग है, हर स्कूल का सीट अलग है। तो ये 40 40 देख लीजिए, 1 40 2 3 4, तो 4 × 40 प्लस 45, ये टोटल निकल के जो छठवीं क्लास का सीट आएगा, सिक्स क्लास का, वो आएगा 205। तो छठवीं क्लास का सीट 205 है और नौवीं क्लास के 405 है और क्लास फर्स्ट के 385। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस साल कितने स्टूडेंट आईपीआर हो रहे हैं। टोटल आपके क्लास फर्स्ट के लिए 4829, कितने 4829, क्लास फर्स्ट के लिए 4829 सीटें हैं। किसके, क्लास फर्स्ट के लिए सीटें 385 है, क्लास में आईपीआर हो रहे हैं, मतलब टेस्ट इस साल जो दे रहे हैं, 4829 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं क्लास फर्स्ट के लिए, यानी 385 सीट के लिए 4829 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं। उसी तरह छठवीं के लिए, छठवीं के लिए जो अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं 10645 टोटल कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए हैं सिक्स में, 10645। नाइन्थ क्लास के लिए दोस्तों कितने हैं, 14675 टोटल स्टूडेंट अप्लाई है, ये अप्लाई किए हुए लोग हैं, जो अप्लाई किए स्टूडेंट्स हैं वो इतने हैं।
ये अप्लाई किए हुए सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने इतने, क्लास फर्स्ट में 4,829 है, क्लास सिक्स में 10,645 है, क्लास नाइन्थ में 14,675 सीटें हैं क्लास वाइज। तो आप देख लीजिए कंपटीशन सबसे टफ किस में है, सबसे टफ इसमें है। देखिए सबसे ज़्यादा सीट्स नाइन्थ में है, सबसे कम जो सीटें हैं वो छठवीं में है, और 10,000 के आसपास अप्लाई हैं। तो सबसे ज़्यादा टफ जो कंपटीशन है, टफ जो कंपटीशन है वो है छठवीं में। सबसे जो इजी सिलेक्शन हो, जो सबसे इजी जो सिलेक्शन होने वाले हैं, सबसे इजी वो होने वाले हैं क्लास फर्स्ट में, और मीडियम टाइप का कंपटीशन होता है नाइन्थ क्लास में, मीडियम टाइप का जो कंपटीशन होता है नाइन्थ। हालांकि 14,000 इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, लेकिन मैं मीडियम क्यों बोला कि ये देखिए डबल सीट्स हैं, ये 200 सीट्स हैं, ये 400 सीट है, लेकिन अगर जहां 10,000 अप्लाई किए हैं तो यहां 20,000 होना चाहिए, तभी कंपटीशन बराबर होता। तो 200 सीट के लिए 10,000 है और 400 सीट के लिए 14,000 है। तो नाइन्थ क्लास का जो कंपटीशन है वो मीडियम है, क्योंकि टफ तभी होता जब इसमें वे 20,000 के आसपास अप्लाई करते 400 में, क्योंकि 200 के लिए जब 10,000 है तो 400 के लिए 20,000 होना चाहिए, तभी दोनों में कंपटीशन टफ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। छठवीं में कंपटीशन सबसे ज़्यादा टफ है क्योंकि सीटें कम है और 10,000 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं। छठवीं क्लास से हॉस्टल भी शुरू हो जाता है एएमयू में और जामिया में। क्लास फर्स्ट में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा क्योंकि छोटे बच्चे के लिए हॉस्टल क्या है, जब 5 साल का 6 साल का बच्चा है उसका हॉस्टल में तो रह नहीं सकता, इसीलिए छठवीं क्लास से शुरू होता है हॉस्टल अलीगढ़ में भी और जामिया में। तो छठवीं क्लास से कंपटीशन टफ हो जाता है, और नाइन्थ में जो कॉम्पिटिशन है वो मीडियम क्लास के है। सबसे ईजी क्लास फर्स्ट में मैंने क्यों बताया, आपके मन में ये डाउट हुआ होगा कि क्लास फर्स्ट में आपने क्यों ईजी बताया। क्लास वन में कौन पढ़ेगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास रहने वाले पेरेंट्स हैं वही तो छोटे बच्चे को ले जाएंगे स्कूल में और लेके आएंगे, क्योंकि आपको ले जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा पहली दूसरी तीसरी क्लास में, या गाड़ियां भी आती हैं लेकिन अब बच्चे कैसे जाएंगे। तो ज़्यादातर पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि जाके स्कूल में बच्चे को छोड़ के आए, नहीं तो गाड़ियां भी आती हैं लेके जाती है। लेकिन अगर आप रह रहे हैं बिहार में, आप रह रहे हैं बंगाल में, आप रह रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो आप अपने छोटे बच्चे को कैसे एडमिशन, आपको वहां रहना पड़ेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास रहना पड़ेगा। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए आप नौकरी छोड़ के तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं रहेंगे ना। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वही अप्लाई करते हैं क्लास फर्स्ट के लिए जो उसके आसपास रहते हैं। तो कंपटीशन बहुत आसान हो गया क्योंकि 385 सीट है और 4,829 एप्लीकेंट्स आए हैं। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं वही क्लास वन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसलिए क्लास वन का जो एग्जामिनेशन होता है वो इजी होता है, क्लास वन का जो एग्जाम्स होता है इजी होता है, एडमिशन लेना इजी होता है। ऊपर आई बटन है, आई बटन में आप देखिएगा क्लास वन के कैसे क्वेश्चंस पेपर आएंगे। क्लास वन के भी क्वेश्चंस पेपर मैंने बना चुका हूँ, क्लास सिक्स का भी, क्लास नाइन्थ का। इस वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो चार ये एंड स्क्रीन्स पे वीडियोस मिलेगा, और चारों में मैंने आपको क्लास वन का दे दूंगा एक लिंक, क्लास सिक्स का, क्लास नाइन्थ का एक एक वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए, क्योंकि आप जाएंगे एग्जाम देने और कॉम्पिटिशन किस में टफ है, सिक्स क्लास में सबसे टफ है क्योंकि 200 सीट में 10,000 कैंडिडेट्स हैं, और इजी क्यों है, 345 में सिर्फ 4,000 ही कैंडिडेट्स हैं, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं वही क्लास फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मीडियम जो कंपटीशन है वो क्लास नाइन्थ का है, क्योंकि इसमें क्या है कि 400 सीटें हैं और 14,000 ही इस साल अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करना आप भूल जाते हैं। अब मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ, सब में क्या है कि 100-100 नंबर का एग्ज़ाम है, सब में 100-100 नंबर के एग्ज़ाम है। तो अगर आप 50 नंबर लाते हैं तो एडमिशन हो जाएगा क्लास फर्स्ट में। सिक्स क्लास में टफ है तो आपको 60 प्लस का उम्मीद रखना पड़ेगा, और क्लास नाइन्थ में आपको 55 का टारगेट रखेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सीधा सीधी सवाल है, सब में क्या है कि 85 नंबर का रिटन टेस्ट है और 15 का इंटरव्यू है। 85 का क्या है, रिटन टेस्ट है, और ये इंटरव्यू है वो है 15 मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, 85 का आपका रिटन टेस्ट है। तो आपका इंटरव्यू में कुछ भी जाएंगे, चुपचाप बैठ के आ जाएंगे तो भी आपका 5 मिल जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 नंबर आप लाएंगे। बाकी का आप 50 नंबर के आसपास टारगेट रखना पड़ेगा, 40 से 50 के बीच में आपको लाना पड़ेगा, 85 में से 40 से 50 के बीच में लाएंगे, निगेटिव मार्किंग होता है उसको ध्यान रखना होगा,
40 से 50 के बीच में लाएंगे तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। 85 नंबर का जो रिटन टेस्ट होने वाले हैं, क्लास फर्स्ट का जो रिटन टेस्ट होने वाले हैं 15 मार्च को होंगे, क्लास सिक्स का जो रिटन टेस्ट होगा 22 मार्च को होंगे, और क्लास नाइन्थ का जो रिटन टेस्ट है 29 मार्च को होंगे। क्लास नाइन्थ के लिए जो टेस्ट सेंटर है 30 टेस्ट सेंटर है, 6 गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है, मतलब टोटल 30 टेस्ट सेंटर होंगे। स्टूडेंट 14,675 अपीयर हो रहे हैं। क्लास सिक्स में जो टेस्ट सेंटर होंगे 17 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, और क्लास फर्स्ट के लिए 6 एग्जामिनेशन सेंटर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इंक्लूडिंग कहाँ कहाँ क्लास फर्स्ट के लिए जो सेंटर है देख लीजिए, एमयू गर्ल्स स्कूल में है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स गर्ल्स, एसटीएस स्कूल, एमयू सिटी स्कूल्स, और एसएच सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज एंड एबीके हाई स्कूल बॉयज। 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे का टेस्ट होगा। 15 को टेस्ट है, यानी 15 मार्च को टेस्ट है क्लास फर्स्ट का, क्लास सिक्स का है आपका 22 मार्च को। 17 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं और 30 एग्जामिनेशन सेंटर है नाइन्थ क्लास का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों क्वेश्चन है, इसका डिटेल मैंने आंसर दिया है, एक एक करके मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, कंपटीशन लेवल किसमें हाई है किसमें लो है, सीट्स का कंपैरिजन है कि कितने सीट्स हैं कितने अप्लाई किए हैं, सिलेक्शन का चांसेस किसमें आसान होता है किसमें कम होता है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो फर्स्ट और नाइन्थ में सबसे ज्यादा चांस होता है एडमिशन का, फर्स्ट में और नाइन्थ क्लास में। सिक्स में टफ है, इलेवेंथ में भी टफ है। कट ऑफ मार्क्स मैंने आपको बता दिया कि रिटन में 40 से 50 के बीच में लाना है और इंटरव्यू में 7 नंबर आ ही जाता है, ये है रिटन टेस्ट के। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अपने फैमिली मेंबर्स अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि आने वाले कॉम्पिटिशन अगर वो अप्लाई करेंगे तो किस हिसाब से तैयारी करेंगे, किसमें टफ है किसमें आसान है, किसमें कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, किसमें कट ऑफ कितना लाना होता है, किसमें सीट्स कितनी है, क्या सेंटर्स होते हैं। सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही सेंटर्स होते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम है रहे ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।